2014 में यहां बीजेपी के जनरल वीके सिंह ने कांग्रेस के राज बब्बर को हराया था। पिछले 5 सालों में वीके सिंह के कराए विकास कार्यों से जनता कितनी खुश है और कितनी नाराज, अगले आधे घंटे में यही जानने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी की इस चुनावी रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है जतिन गोस्वामी और मैं गाजियाबाद में हूँ और कॉन्स्टिट्यूएंसी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और मैंने ये सोचा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी रिपोर्ट की शुरुआत क्यों ना मैं गाजियाबाद की लाइफलाइन से कर लूं। नए बस अड्डे से दिल्ली के दिलशाद गार्डन जाने वाली मेट्रो में मैं मौजूद हूं और हम आज चेक करने वाले हैं कि जो गाजियाबाद के सांसद हैं, जो विदेश राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने इस शहर के लिए क्या किया। तो लोग भी होंगे जब हम पूछेंगे उनसे मेट्रो में, क्योंकि हम मौजूद हैं तो पहले मेट्रो में एक शख्स मौजूद है। साहब ये बताइए, हमारे सांसद जो हैं जानते हैं कौन है? जी वीके सिंह है, विदेश राज्य मंत्री जनरल भी रहे। क्या कहेंगे, कितना खरे उतरे वो, 5 साल लगभग हो चुके हैं। जी वो जैसे कि विदेश राज्य मंत्री हैं और पहले जनरल भी रहे हैं तो उनमें नेताओं वाली वो छवि नहीं है जो लोगों के बीच में आके अपना सारा वक्त दे सके। वो बहुत बिजी भी रहते हैं तो उनको जिस तरीके से फीडबैक उनके पार्टी वाले देते हैं उस तरीके से वो जहां जरूरत होती है उस हिसाब से काम करते हैं। शहर के विकास में उनका योगदान रहा या नहीं रहा, सीधा सवाल। जी बिल्कुल, उनका योगदान तो रहा है पर जिस तरीके से होना चाहिए पूरा नहीं रहा। गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र में जो आदर्श गांव है जिसकी हर सांसद बात करते हैं, मोदी सरकार जब 2014 में बनी उसका नाम है मीरपुर हिंदू। लोनी से कुछ किलोमीटर आगे ये गांव है और हम उसी गांव में आ पहुंचे हैं क्योंकि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो इस गांव में पहुंचना इसलिए जरूरी था क्योंकि यही वो गांव है जो यहां के सांसद वीके सिंह ने गोद लिया था। जब हम यहां पहुंचे हैं तो जो तस्वीर है वो सब कुछ बयां कर रही है और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रोड है, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये आदर्श गांव की तस्वीर है क्योंकि इसकी शक्लो सूरत अब तक बदल जानी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि रोड्स के निर्माण में शायद कोई लापरवाही बरती गई है और इसीलिए हम इस गांव में पहुंचे कि कम से कम हम उस गांव की तस्वीर तो आपको दिखा पाए जो खुद सांसद का गोद लिया गांव है। ये क्या है, इसके बारे में बताइए। क्या कौन सा ये गांव है? गांव मीरपुर हिंदू। क्या है ये सब, ये कब साफ हुआ, कभी पहले कभी सफाई हुई यहाँ पर? तो सफाई तो सर यहाँ चलती रहती है जी। हाँ, जो कमियां हैं वो बताइए, क्या कमियां अभी रह गई हैं? 5 साल में सांसद जी कितनी बार आए? 5 साल में सांसद जी लगभग चक्कर लगता ही रहता है, हर 6 महीने चक्कर लगता रहता है जी। रोड ही प्रॉपर नहीं होंगे तो कैसे जो विकास है उसकी गति और तेज होगी, यही जानने के लिए हम इस गांव में पहुंचे हैं। यहाँ के स्कूल की भी बात करेंगे, यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान किस तरह से आगे बढ़ रहा उसकी बात करेंगे और यहाँ पर बाकी की जो विकास की गति है वो किस ओर बढ़ रही है उसकी भी बात करेंगे। चलिए गांव की तरफ आपको लेकर चलते हैं। सांसद वीके सिंह के गोद लिए गांव मीरपुर हिंदू के सरकारी प्राइमरी स्कूल में हम आ पहुंचे हैं और यहां की तस्वीर बेहद अच्छी है, बेहद पॉजिटिव है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि हाँ वाकई ये एक आदर्श गांव का आदर्श स्कूल है। भले ही रोड पर कुछ कमियां नजर आई हों लेकिन शिक्षा के मामले में जो आदर्श गांव है वीके सिंह का वो खरा उतरता हुआ दिखाई देता है। प्राथमिक विद्यालय मीरपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर आपको हरियाली नजर आएगी और बेहद साफ सुथरा ये स्कूल नजर आएगा। स्कूल के अंदर शिक्षा व्यवस्था कैसी है वो जानने के लिए हम क्लास के भीतर जरूर आपको लेकर चलेंगे और यहां पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे आखिरकार किस तरह से पढ़ाई करते हैं। और देखिए ये अंदर की तस्वीर है और यहां पर तमाम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि ये स्मार्ट क्लास है और आप देख सकते हैं कि क ख ग घ जो सिखाया जा रहा है वो डिजिटल माध्यम से सिखाया जा रहा है। स्मार्ट स्कूल बकायदा स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये स्मार्ट क्लासेस है। आपने शायद इससे पहले सरकारी स्कूल की इस तरह की तस्वीर कम देखी होगी और जब हम बात करते हैं किसी गांव के स्कूल की तो ऐसी तस्वीर अमूमन बहुत कम सामने आती है। यानी यहां पर ये स्कूल पूरी तरह से 100/100 के हिसाब से खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे हम यहां पर बात करेंगे और पूछेंगे कि ये स्मार्ट क्लासेस कब से चलती आई हैं। सर आपका परिचय पहले हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आदेश कुमार, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय मीरपुर हिंदू। जी ये जो हुआ है क्योंकि ये सांसद जी का गाँव है मीरपुर हिंदू, क्या उससे पहले ऐसी तस्वीर थी या सांसद जी ने जब गोद लिया उसके बाद ये बदलाव आया? सारा बदलाव सांसद जी के गोद जब से गांव गोद लिया उसके बाद ही आया है और उससे पहले स्थितियां बहुत खराब थी
और मैं समझता हूं कि मोलचोल परिवर्तन जो है वो सांसद जी के कारण ही आया है यहाँ पर। सांसद जी आते हैं स्कूल में, जितनी बार भी गांव में आया है बच्चों के पैसे मिले हैं और काफी उनका सहयोग स्कूल में रहा है। यहाँ पर तमाम बच्चे हैं और देखिए बेटियां हैं यहाँ पर, और बिल्कुल सरकार कहती है कि जब पढ़ेगी बेटी तभी तो आगे बढ़ेगी बेटी, तो निश्चित तौर पर इन बेटियों से हम पूछेंगे, बेटा क्या सीख रहे हैं? यहाँ पे हम वो सीख रहे हैं वरमाला, और यहाँ पे एक स्मार्ट क्लास भी चली है। ये कंप्यूटर पर सीखने पर एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी। पहले ऐसा होता था स्कूल में? नहीं जी, अब होने लगा है। यहाँ की टीचर्स से भी बात करेंगे और पूछेंगे, आप बताइए आप इस स्मार्ट क्लास की टीचर हैं? जी, सभी मतलब हर कोई भी पढ़ा लेता है। बच्चे कितना एंजॉय करते हैं स्मार्ट क्लास? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, खुश होकर पढ़ते हैं। आप कब से पढ़ाती हैं स्कूल में? यहाँ हो गए करीब 15 साल हो गए। 15 साल में ये स्मार्ट क्लास कभी सोची थी कि इस स्कूल में? कभी नहीं सोचा था सर। किसको इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? हमारे सांसद जी हैं, हमारे प्रधान जी हैं, उसके धन्यवाद है। और ये बदलाव कब से हुआ? जब से सांसद जी ने गोद लिया है हमारे। गाजियाबाद सांसद वीके सिंह के गोद लिए गांव मीरपुर हिंदू के अब हम भीतर आ पहुंचे हैं। हमने आपको रोड का नजारा दिखाया था जहां पर कुछ रोड टूटा हुआ था और कुछ जर्जर था, लेकिन अंदर का नजारा क्या है वो आपको दिखा देते हैं। और यहां पर तस्वीर जाहिर तौर पर फिर से पॉजिटिव नजर आई है, और यहां आप देख सकते हैं कि जो खड़ंजे हैं और ये टाइल्स हैं वो रोड पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। गांव के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम यहां के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, और हम उनसे सीधे यहां पर बात करेंगे। पहले मोनू जी से बात कर लेते हैं जो यहां के प्रधान हैं। साहब, मैं एंट्रेंस पे आया तो रोड टूटा हुआ था, हालांकि यहां पर आकर कुछ दूसरी तस्वीर नजर आई, इन दोनों के बारे में आप क्या कहेंगे? मेन रोड की हमारी थोड़ी सी पानी की निकासी की समस्या आ रही है, वहाँ एक नाला हमने प्रस्ताव कर दिया है, वो नाला बंद तो साथ रोड पे जितना पानी है वो नाले में जाएगा और झोड़ में चले जाएगा, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। 10-15 दिन में वो नाला बनकर वो रोड पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। सांसद जी कितनी बार आए गाँव में? सांसद जी काफी बार आए गाँव में, हर बार कुछ न कुछ उद्घाटन ही करके गए जब भी आए गाँव में। मसलन क्या क्या चीजें कुछ गिराना आप चाहें? हाँ, जैसे पानी की टंकी होगी हमारे यहाँ, बैंक का उद्घाटन होगा, और स्कूल में स्मार्ट क्लास होगी हमारे में जी। और काफी बहुत काम है, एक डिग्री राज्य के महाविद्यालय डिग्री इंटर को राज्य के महाविद्यालय का है प्रस्ताव जा लिया, शासन में जा रहा है, वो जल्दी उस पर काम चालू हो जाएगा। 5 साल लगभग बीत गए, क्या गांव आदर्श बन पाया? आदर्श बन गए गांव हमारी तरफ से, बढ़िया हो रहा है। और लोग हैं हमारे साथ, सांसद जी कितनी बार आए? मेरा सवाल वही है। 4-5 बार भी आए हैं। आप संतुष्ट हैं 4-5 बार? बिल्कुल, बहुत बढ़िया कर आज काम गाँव में, हर चीज की सुविधा होगी। एक बड़ा अस्पताल हो चाहते हैं? हाँ जी, अस्पताल होना चाहिए। तो क्या ये चाहते हैं कि दोबारा वीके सिंह ही सांसद हो, मतलब वो दोबारा चुनाव लड़े? मन से तो कह रहे हैं, हम नहीं कि हमारा तो मन मान रहा सांसद जी यही बने जी। हाँ जी, आप बताइए, बुजुर्ग हैं आप गांव के, 10-15 साल पहले की तस्वीर हम लेते हैं, क्या 15 साल 5 साल इस दायरे में कुछ बदला है या कुछ वैसा ही है? भैया 50 साल तक की बात बता सकें, 50 साल पहले भी कुछ ना जो जितना 5 साल में हुआ, इस 5 साल इन 5 साल में हुआ। जब गोद लिया था सांसद जी ने तब आपको लगा था कि इतना बदलाव हो जाएगा? हाँ, उम्मीद तो करी जाओ, जो बड़े आदमी उनसे उम्मीद तो करी जा। मैं करीब 3 साल पहले भी यहाँ आया था, तब मैंने देखा था कि स्ट्रीट लाइट कुछ लग रही थी, कुछ नहीं लग पाई थी, अब हालांकि आपको लगता है कि वो विकास मिल पाया? अब सब काम एकदम तो होते नहीं है, समय लगेगा, धीरे धीरे काम होते रहे। गाजियाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी रिपोर्ट पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी। गाजियाबाद को बहुत करीब से जानते हैं, यहां पर विधायक भी रह चुके हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे, संसदीय जो क्षेत्र है गाजियाबाद, अब 5 साल सरकार को बीत रहे हैं, पूरे हो गए, केंद्र में हम बात कर रहे हैं, इस संसदीय क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ और क्या कुछ छूट गया, वो आपसे पहले जानना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पूछने के लिए। देखिए, असलियत तो ये है कि केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, और नगर निगम में भी एक लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है, जब से नगर निगम बना जी। लेकिन गाजियाबाद की आप दूरदर्शन देख लीजिए, किधर ही चले जाइए, विकास के नाम पर जीरो है। और जहां क्षेत्रीय सांसद का मामला है, क्षेत्रीय सांसदों को यही पता नहीं है कि मैं कौन से मोहल्ले में रहता हूँ, कौन से मोहल्ले में आता हूँ, कौन से मोहल्ले में, उनके चंद लोग हैं उनको पकड़ लेते हैं, उनको ले जाते हैं, उन्हें गाजियाबाद का कोई इतिहास या भौगोलिक स्थिति कुछ जानकर नहीं है। सांसद जी ने क्या किया, अपने घर पर बैठ कर किया हुआ,
अपनी पार्टी करने में क्या होगा, लेकिन धरती पे कुछ काम उन्होंने नहीं किया। मतलब आप इत्तेफाक नहीं रखते कि कोई विकास संसद ये संसदीय क्षेत्र में सांसद के माध्यम से हुआ? सांसद के माध्यम से कुछ नहीं हुआ, केवल पत्थर लगे। क्यों लगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इनकी है, नगर निगम में सरकार इनकी है, और योजना किसी की उद्घाटन काम अखिलेश जी के अंडर पास बनाया तो अखिलेश जी ने बनाया, और जो सिटी फोर्स बनाया तो अखिलेश जी ने बनाया, मेट्रो लाए तो अखिलेश जी लाए, एलिवेटर लाए तो अखिलेश जी, और उद्घाटन ये कर जा रहे हैं। अब हम गाजियाबाद में बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट राजनगर में आ पहुंचे हैं, और ये सेक्टर 10 की मार्केट है, काफी फेमस ये मार्केट है, यहाँ पर तमाम लोग आते हैं खरीदारी के लिए, व्यापारी वर्ग यहाँ पर काफी ज्यादा है, और स्थानीय जो आम लोग हैं उनका रेजिडेंशियल इलाका भी पास में है। लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, सीधे उनसे यहाँ पूछेंगे कि वो अपने सांसद को कितना जानते हैं और वो उनके बीच कितने आए और क्या काम हुआ। साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। क्या करते हैं आप? मेरा जूस का काम है। आपके सांसद कौन है आप जानते हैं? वी के सिंह जी हैं हमारे। आते हैं? हाँ, इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र है, हर जगह आना तो संभव नहीं है उनका जी। लेकिन आते रहते, शहर में दिखते हैं, शहर में दिखते हैं जी। क्या काम हुआ आपको लगता है काम हुआ? हाँ, 2014 से 19 के बीच में बहुत काम हुआ है, मेट्रो आ रही है, एयरपोर्ट बन गया यहाँ पे, अब तो काफी काम हुआ है। क्या कहेंगे बतौर व्यापारी, क्या कहेंगे आपको सांसद जी से कुछ फायदा हुआ आपके संसदीय क्षेत्र में कुछ? सांसद जी को तो हमने पिछले 5 साल से देखा नहीं है, कभी नजर ही नहीं आया मैं तो सांसद जी। मतलब शहर में नहीं आए या यहाँ इलाके में नहीं आए? इलाके शहर का पता ही नहीं है, उनका पता ही नहीं कब आते हैं कब जाते हैं। हमने क्या कमियां रह गई शहर में आपको लगता है? सब कह रहे हैं काम हुआ, कुछ लोग ये भी ये नहीं कह रहे काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, लेकिन सांसद जी को हमने पिछले 5 साल से नहीं देखा। बतौर नागरिक क्या कहेंगे आपको, क्या रिक्वायरमेंट अभी लगता है कि जो जिससे पिछड़ रहा हो गाजियाबाद? अगर बात भ्रष्टाचार कोई कम नहीं हुआ है, छोटी छोटी जगह पे भी हमें लाइसेंस बनवाने आना, कुछ बनवाने आना, हर जगह भ्रष्टाचार है जी। छोटे लेवल पे कहीं भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र के पौष नेहरू नगर इलाके में मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर कुछ महिलाएं और पुरुष भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे यहाँ बात करेंगे कि ये क्या सीधे तौर पर कहते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा पायल मल्होत्रा। सांसद कौन है गाजियाबाद के जानते हैं? वीके सिंह जी। संतुष्ट हैं आप उनके काम से? क्या कुछ जो काफी हद तक तो हम संतुष्ट हैं, पर अभी भी विकास की काफी जरूरत है गाजियाबाद में जी। गाजियाबाद की जो रूपरेखा पहले थी और अब है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बतौर महिला आप गाजियाबाद में रहती हैं, क्या कहेंगी कि जो हमारे सांसद हैं उन्होंने जो काम किया है उसमें कोई और जरूरत है या फिर कंप्लीट हो गया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। मुझे तो पहले सांसद से ही प्रॉब्लम है। मेरा तो ये मानना है कि हम जिस शहर में रहते हैं उसी शहर का सांसद सबसे पहले हमें प्रतिनिधि हमें हमारे शहर का चाहिए जी। बाहर का रहने की वजह से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सुविधाएं नहीं है। 10 में से अगर सांसद जी को आप नंबर देना चाहेंगे? मैं तो 2 नंबर दूंगी। सर ये बताइए ये क्या है, आप क्या करते हैं? हाँ जी, आप क्या करते हैं? शॉप है मेरी यहाँ पे। ये क्या है, कब से खुला हुआ है ये? आज से नहीं सर, कम से कम बहुत टाइम से, और डेली की उस गड्ढे में डेली रूटीन। मैं तो 2 नंबर दूंगी। सर ये बताइए ये क्या है, आप क्या करते हैं? हाँ जी, आप क्या करते हैं? शॉप है मेरी यहाँ पे। ये क्या है, कब से खुला हुआ है ये? आज से नहीं सर, कम से कम बहुत टाइम से, और डेली की उस गड्ढे में डेली रूटीन है, 5 गाड़ियाँ रोज गिरती। कभी सांसद जी आए यहाँ देखा उनको? आज तक कोई नहीं आया जी। नगर निगम भी कंप्लेंट कर दी, सब जगह कंप्लेंट भी। देखिए काम तो किया है उन्होंने, 10 में से 5 नंबर तो मिलेंगे, लेकिन फिर भी बहुत काम बाकी है, बहुत काम होना बाकी है। स्वच्छ भारत अभियान पे कुछ हुआ? सफाई रोज होती है यहाँ पे। संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट को जानते हुए हम गाजियाबाद में न्यू पंचवटी कॉलोनी आ पहुंचे हैं, और यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव नजर आया है। देखिए ये सड़क है, और लोगों का ये कहना है कि काफी लंबे वक्त से ये सड़क नहीं बनी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर नगर निगम टैक्स वसूलता है, तो क्या नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ पर जो सड़क है वो बनवाई जाए, और क्या सांसद की जिम्मेदारी नहीं है? यही सवाल हम लोगों से पूछ लेते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? सुभाष। ये सड़क कब बनी? ये हमें 2 साल हो गए तो देख ही नहीं है कभी बनी। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानियाँ, इधर भी नहीं है, हमारे उधर भी नहीं है जी, हम उधर उस गली में, आगे वाली उसमें भी नहीं है। हमारे साथ समाज सेविका ऋचा सूद जी मौजूद हैं, जिनका स्कूल यहाँ पर पास में ही है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम ये हालात जो हैं इसके बाद आप क्या कहेंगे, क्या हमारे सांसद जी ने काम कराया? हालांकि हम उनके गांव भी गए, वहां तो काफी कुछ काम हुआ है, पूरे शहर में भी बहुत काम हुआ है, लेकिन क्या अभी कॉलोनियों में विकास होना बाकी है? देखिए विकसित सड़कें, विकसित बस्तियां, वो तो दोबारा से तिबारा से विकसित हो रही है। जो सड़कें ऑलरेडी ठीक थी वो दोबारा से बन रही है, तीसरी बार बन रही है, चौथी बार बन रही है, लेकिन जहां वास्तविकता में जरूरत है ये कह के कि वो अवैध बस्ती है या ऐसी बस्ती है, ये कह के अगर वहां से फिर नगर निगम टैक्स भी ना ले तब तो ठीक है, लेकिन जहां पर लोग बस रहे हैं सब कुछ है
और सीवरेज अगर लगाया गया है तो उस जगह पे भी अगर ये कह दिया जाए कि यहाँ सड़कें, यहाँ पर मैंने पिछले 5 सालों में तो सड़क देखी ही नहीं। एमपी हमारे पूर्व जनरल साहब जो हैं वो एक दिन गाजियाबाद में आते नहीं है, ना कोई गाजियाबाद में कार्य हुआ। पिछले 10 साल में बीजेपी के एमपी रहे माननीय राजनाथ सिंह जी, जो माननीय गृह मंत्री हैं आज भारत सरकार के, और भारत सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह इससे पहले रहे, और जनरल वी के सिंह जो रहे। 10 साल में गाजियाबाद का बुरा हाल है, विधायक भी इनका और नगर पालिका में पिछले 20 साल से इन्हीं की बीजेपी की सरकार चल रही है, जो समस्याओं से भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। पूरा भ्रष्टाचार गाजियाबाद नगर पालिका में इतना है, इतना कहीं नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए शहर में बीजेपी के महानगर अध्यक्ष मानसिंह गोस्वामी जी मौजूद हैं और उनसे हम सीधे वो तमाम सवाल पूछेंगे जो जनता ने हम तक पहुंचाए हैं और हम उनसे पूछेंगे। आप बीजेपी को पूरे महानगर में रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा सवाल गाजियाबाद के सांसद के कार्य को लेकर है। वीके सिंह जी की हम बात कर रहे हैं, विदेश राज्य मंत्री भी वो हैं। सबसे पहले जनता ने कई जगहों पर कई तरह के नंबर उन्हें दिए हमारी रिपोर्ट में, आप बीजेपी से हैं, महानगर को रिप्रेजेंट करते हैं, कितने नंबर आप काम को देंगे और क्या ईमानदारी से आपसे पूछेंगे क्या कुछ छूट गया है जो अभी बाकी है? देखिए, निर्माण एक निरंतर समाज में सुधार की व्यवस्था का काम चलता रहता है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि गाजियाबाद के अंदर डोमेस्टिक एयरलाइंस कभी लोगों के सपनों की बात थी, जो जनरल वीके सिंह साहब शायद है इतनी बड़ी सोच के नेता गाजियाबाद को ना मिले होते तो आज हिंडन एयरफोर्स डोमेस्टिक एयरलाइंस ना बनी होती। जनता चाहती है कि संसद विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के लोकसभा क्षेत्र की चुनावी रिपोर्ट थी जिसमें मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की सुनाई दी है। फिलहाल समय उचलक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।